हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इन ट्वीट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई नीतियों पर एक साथ सवाल खड़ा किया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल और बयानबाजी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चंदौली से सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह जी। बीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आपके भी सोशल मीडिया पर भी अच्छी संख्या में फॉलोवर हैं। यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को क्या आप भी मानते हैं कि एक पार्टी के प्रचार प्रसार का माध्यम है? देखिए, सबसे पहले मीडिया पर पहरा लगाना गैर संवैधानिक है और नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस सरकार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि निष्पक्ष रूप से समाचार दिखाने वाली मीडिया के साथ वो निष्पक्षता के साथ व्यवहार करें। तो इसलिए ये सरकार सारे प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम था जिसे सही खबरें जनता तक पहुंच रही थी, अब वो भी मार्ग बंद करने का जो है कि प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वो पहरा लगाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ लालच दे रहे हैं कि हम 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का जब सरकार की आप गुणगान करेंगे तो हम विज्ञापन देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर भूल से एक भी सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट डाल दिया तो आजीवन कारावास भी कर देंगे। तो धमकी भी और लालच भी देने का प्रयास सरकार कर रही है। यह सरकार शायद भूल गई है कि यह देश हमारा एक सीमा तक ही बर्दाश्त करता है। जब अंग्रेजी हुकूमत को भी पछाड़ करके उनको इस देश को आज़ाद कर दिया और उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, तो उसी के राह पर चलने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को समझ लें कि यह देश संघर्षों का देश है, बुद्ध का देश है, राम का देश है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बिरसा मुंडा भी इसी देश में पैदा हुए थे, घास की रोटी खाने वाले राणा प्रताप भी पैदा हुए थे, तमाम ऐसे योद्धा हैं, सरदार भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद बिस्मिल, तमाम सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश के कारण कुर्बानी दी है। तो यह देश वीरों की धरती रही है और इस देश ठीक तरीके से चल रहा है तो उसमें बहुत छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार को चाहिए निष्पक्ष रूप से विकास के काम और रोजगार के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। सांसद जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहले ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद सपा कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा, ऐसे बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कहने को कुछ नहीं रह जाता है, दिखाने को आपको कुछ नहीं रह जाता है, तो ये सब बातें आती हैं। सवाल आप करेंगे कि आप गरीबी कैसे दूर करेंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई है। नौजवान रोजगार के बारे में पूछेगा तो कहेगा कि जो है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। अगर कोई जो है देश का आम नागरिक महंगाई के बारे में बात करेगा तो ये कहेंगे कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल बना ली है, चाइना बॉर्डर को रोक रखा है, और आगे बात पूछेंगे तो कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाने के लिए गए हैं। भले ही यूक्रेन कह दे कि भारत को दोनों तरफा चाल नहीं चलनी चाहिए, यह वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था यूक्रेन की। तो ये सब बातें केवल इसलिए हैं कि पब्लिक का डिमांड उनका जो दिमाग है वो मूलभूत सुविधाओं की तरफ न जाए, केवल हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाना,
धर्म की बातों का चादर ओढ़ करके लोग अपने चुनावी नैया को पार करना चाहते हैं। आपके हिसाब पार्टी में रहे ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि समाजवादी पार्टी में लूडर हैं, असली नेता भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में वो गए। ओम प्रकाश जी जिस समाज से निकल करके गए, उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करके यहाँ तक विधायक बन करके उत्तर प्रदेश में गए। वो लीडर थे, तब वो लीडर थे, लेकिन जिस दिन मंत्री पद की लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए, वही लोडर से लीडर से लोडर हो गए। तो स्वयं अपनी बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो लीडर थे, वहाँ जाके लोडर हो गए। एक भी बयान बता दीजिए उनका, वो उनका लड़का चुनाव हार गया, किसके कारण हार गया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए सिरे से सदस्यता अभियान अब चलाए जाने की तैयारी है सितंबर माह में, क्या लगता है आपको, क्या एक नई रणनीति के साथ, या फिर डर है कि कहीं ना कहीं 2024 में जो चीज़ें हुई वो फिर से ना हो जाए? देखिए, प्रचार तंत्र के कई तरीके बदल रहे हैं। बहुत पहले चुनाव पर्चियों के द्वारा बांट करके, माउथ प्रचार करके लोग चुनाव लड़ते थे, अपना प्रचार करते थे। उसके बाद समय बदला तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपने चुनाव प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद दौर आगे बढ़ा तो सोशल मीडिया का दौर आया, और सोशल मीडिया में आपने देखा कि उसके जरिए पूरे देश में जो घटनाएं होती थी उसका प्रचार प्रसार करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का सभी दल जो है प्रयास करते थे। अब वो इससे भी ऊपर गेम चल रहा है, वो चल रहा है माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वार। नौजवानों का हम दिमाग कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, उनको अपने रोजी रोजगार की तरफ ध्यान न जाए, जनता महंगाई की बात न करे, जनता जो है अपनी मूलभूत समस्याओं के बारे में चर्चा न करे, इसलिए उस चर्चा को घुमाने के लिए 10 करोड़ जो है, माने हेडलाइन हो गया कि 10 करोड़ कार्यकर्ता जो है भाजपा के सदस्य होंगे। सदस्यता अभियान सब लोग करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से कर रहे हैं सदस्यता अभियान। तो इस तरीके के माइंड गेम लोगों में फैलाने की कोशिश हो रही कि अरे जिस पार्टी के 10 करोड़ कार्यकर्ता हो जाएंगे उसको हराना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से 400 पार के नारा थे कि अगर मेरा 400 पार अब की बार आ जाएगा तो लोग समझते थे कि अरे भाई जी 400 पार उन्हीं का हो जाएगा तो इसका मतलब सरकार वही बनाएंगे, सरकार वही बनाएंगे तो क्यों दूसरे दल को हम वोट दें। तो ये प्रचार का एक तरीका है और उस तरीके में ये सदस्यता अभियान भी एक तरीका है। एक अंतिम सवाल, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से ही पार्टियों द्वारा तैयारी शुरू हो गई है, आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे समाजवादी पार्टी के और आपने राष्ट्रीय कद के नेता को हराकर संसद तक का सफर तय किया है, बसपा की भी राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है, आपको क्या लगता है 2027 में अगर समाजवादी पार्टी बसपा अगर एक साथ आती हैं तो आपकी पार्टी को विशेष तौर पर एक नई ताकत मिलेगी या और मजबूती से आप लोग खेल सकेंगे? देखिए, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन यदि मेरी राय पूछी जाएगी तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा है उसी गठबंधन को साथ में लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और वह गठबंधन हमारे एजेंडे को सूट करता है, क्योंकि जिस एजेंडे को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने PDA को आगे बढ़ाने की बात कही, जिन्होंने निकाला एजेंडा,
उस पीडीए की बात इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने स्वीकार किया और पीडीए ही है एक ऐसा जरिया जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों को जुड़ने का काम हो रहा है। तो हमारा मुख्य जो हथियार है वो हमारा पीडीए है और जाति जनगणना की मांग हमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात कर लें तो मिर्जापुर के मझवा सीट पर भी चुनाव होगा, उससे ठीक पहले वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुनाव में हेर फेर की आशंका जताई है, आपको क्या लगता है आप वहां के प्रभारी? देखिए जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि मिर्जापुर के जो जिलाधिकारी हैं वहाँ के माननीय मंत्री जी के सग नज़दीकी रिश्तेदारों में से हैं और लोकसभा के चुनाव में बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें उन्होंने फेवर करने का काम किया है। तो इसीलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं को आशंका है कि उनके रहते निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। तो ऐसे में आप आपकी क्या वहाँ पर मान हम लोग पत्र लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उस तथ्यों को रखेंगे जो उनके कार्यकाल में 2024 में कार्रवाई हुई है, जो कहीं से प्रमाणित नहीं करती कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, तो उन बातों को लेकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएंगे और मांग करेंगे कि उनकी जगह किसी और को जिलाधिकारी बना दिया जाए। और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का बहिष्कार? देखिए चुनाव तो हमारा कार्यकर्ता लड़ता है और एक दिमाग में कहाँ आ गया कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये समाजवादी पार्टी है, विभिन्न से विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ता जूझने लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। आपको याद होगा कि एक आवाहन पर 125 के आसपास हमारे विधायक थे और एक साथ इस्तीफा दिए थे उत्तर प्रदेश की भवन में, उसी समय जब वो 9/11 की घटना हुई थी, दब गया था वो मामला। तो ये समाजवादी लोग हैं और विभिन्न परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। हम लोग हमारे कार्यकर्ता डटकर के इस चुनाव में मुकाबला करेंगे और परास्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।